हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर रोशन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। सबसे पहले तो एक खुशखबरी दे दूं, इतने दिनों से आपने देखा 400 से ज्यादा वीडियो हो चुका है मेरा, ये जो बोट का जो ब्लूटूथ है उससे कर रहा था। अब मैं एक ऑनलाइन ऑर्डर कर चुका हूँ, 7 दिसंबर को डिलीवरी का बात है। वो जो कॉलर वाला जो माइक होता है ना, ताकि आप लोग का साउंड क्वालिटी और बढ़िया हो जाए और आप लोग को समझने या सुनने में आसानी हो। वैसे ये भी अच्छा ही सुनाई दे रहा था, ब्लूटूथ से अगर हम लोग सुनेंगे तो उतना भी खराब नहीं है। अब देखते हैं वो वाला कैसा होता है। खैर, आज भी हम लोग स्पोर्ट्स के ही टॉपिक में बात करेंगे। कल हमने एशिया कप्स के बारे में देखा, 2023 के एशिया कप, उसका इतिहास वगैरह। आज हम लोग एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली अभी देखा जा रहा है, जो एग्जामिनर है वो जो डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट होता है ना, नेशनल गेम्स वगैरह या फिर और भी बहुत सारा क्रिकेट फुटबॉल सब चीज का, वहां से भी बहुत सारा सवाल पूछता है। पहले खाली क्या होता था, इंटरनेशनल जो सबसे बड़ा बड़ा टूर्नामेंट है उसी के बारे में पूछा जाता था, बट अभी वोकल फॉर लोकल भी चल रहा है। तो आइए आज हम लोग देख लेते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ओके, बहुतों को पता भी होगा, जो लोग न्यू कॉमर्स उन लोग को मैं बता दूं, ये एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है T20 फॉर्मेट का। हिंदुस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही स्ट्रांग है इंग्लैंड के बाद, मैंने काउंटी क्रिकेट के बाद। तो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये 16 नंबर का था ये वाला जो अभी हुआ, 2023-24 एडिशन कहा जाता है इसको, 23 में हुआ, 23-24 का सीजन अभी चल रहा है, उसी में ये कराया गया। ओके, और ये अच्छा, ये चीज में इम्पोर्टेंट है, ये करंट अफेयर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये IDFC फर्स्ट बैंक, ओके, IDFC फर्स्ट बैंक इसका टाइटल स्पॉन्सर था। एक्चुअली IDFC फर्स्ट बैंक से करार हुआ है BCCI का, 2023 का अगस्त से लेकर 2026 तक 3 साल का करार किया गया है। जितना भी हमारा हिंदुस्तान में जो भी खेल होगा, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल मैच हो, जो कि इंडिया में कराया जाएगा, उसका स्पॉन्सरशिप इन्होंने लिया है, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। अच्छा, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, T20 फॉर्मेट में होता है, 20-20 ओवर का, BCCI ऑर्गेनाइज करता है इसको, समझ में आपको। वैसे और भी बहुत इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट कौन है हमारा हिंदुस्तान का, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और ये सैयद मुश्ताक अली, और भी कुछ कुछ है, मगर ये 5 टॉप का रहता है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, WBCA से लेके हर एग्जाम में। तो पहली बार ये 2006-07 में होता है पहला बार, और कौन जीतता है, तमिलनाडु जीतता है। ओके, हिंदुस्तान का जितना भी स्टेट होता है सभी हिस्सा लेता है इसमें, रणजी वाला सभी कोई लेता है। और इस बार, हाँ मैं बता दू, ये लिखने भूल गया, 38 टीम्स ने हिस्सा लिया था। ओके, अभी करके 38 टीमें हिस्सा लेता है इसमें, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। और पहला बार जब तमिलनाडु जीता था, उस टीम के कप्तान थे DK, जी हाँ, हमारे दिनेश कार्तिक, जो कि कोलकाता टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के। और सबसे ज्यादा अभी तक कौन जीता, वही तमिलनाडु, 3 बार चैंपियन हुआ है, 16 में से 3 बार तमिलनाडु चैंपियन हुआ है। ओके, तो इस बार 2023-24 यानी कि जो 23 में ही हुआ, अभी ये 6 नवंबर का इसका फाइनल हुआ था, 6 नवंबर यानी कि 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। और ये पंजाब जीता है इस बार, याद से देखिएगा, पंजाब ये अपना पहला यानी कि मेडन टाइटल जीतता है बड़ौदा को हरा के। ओके, 20 रन से हराता है। और फाइनल मैच कहां पर होता है, IAS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली। देखिए छोटा छोटा पॉइंट है ना, आप एक बार खाली सुन लीजिए, आपका दिमाग में रहेगा, कभी भी पूछा जा सकता है ये IAS बिंद्रा जो स्टेडियम है कहां पर है, 4 ऑप्शन दे दिया, तो ये मोहाली में है जो कि पंजाब में है, ठीक है। अच्छा, ये कैप्टन कौन था ये टीम का, पंजाब टीम का, मनदीप सिंह, नाम से समझ में आ रहा है पंजाब टीम के ही कैप्टन होंगे। और बड़ौदा के कृणाल पांड्या, जी हाँ, हार्दिक पांड्या के भैया, बड़े भैया, दादा। और ये जो हार्दिक पांड्या है, ये तो गुजरात टीम का कैप्टन था, अब मुंबई इंडियंस ने इसे खरीद लिया है, एकदम ताजा ताजा खबर है। अच्छा, अब क्यों नहीं खरीदेगा भाई, अंबानी का पास इतना पैसा है, किसी को भी खरीद सकता है। अच्छा, एक चीज आया था मेरा दिमाग में, अंबानी को अगर सामने रखा जाए तो कोई भी सब एक ही गाना गाएगा, कौन सा गाना बताइए, तो तेरे नहीं, कौन सा गाना था, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तो अंबानी का इतना पावर है, वो अगर किसी को मिल गया तो उसका लाइफ उसे फिर जाएगा। तो ये जो प्लेयर ऑफ द मैच कौन हुआ फाइनल का, हमेशा मैंने कहा हर मैच का, क्रिकेट का कोई भी फाइनल का मैन ऑफ द मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में हुआ अनमोल प्रीत सिंह, 113 रन स्कोर किया 61 बॉल में, ठीक है। ये T20 इसीलिए देखिएगा, कम बॉल में ज्यादा रन मारता है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी पूरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा, ये भी पंजाब से है, दोनों पंजाब से है, प्लेयर ऑफ द मैच भी वही है फाइनल वाला पंजाब से, और प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा वो भी पंजाब से। और ये 485 रन मारते हैं और 2 विकेट भी लेते हैं,
ओके पूरा टूर्नामेंट में। अच्छा पूरा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन स्कोर कौन किया? रियान परा। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपसे पूछा जा सकता है अलग से, जो रियान परा कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये असम टीम से खेलते हैं, 510 रन स्कोर किया। और सबसे ज्यादा विकेट आर रवि तेजा, ठीक है। वैसे रवि तेजा वगैरह साउथ का हीरो लोग का भी नाम होता है, महेश बाबू, सरवर बाबू, ये बाबू। तो ये हैदराबाद के टीम के खिलाड़ी, 19 विकेट इन्होंने पूरा टूर्नामेंट में लिया। तो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 2023 का पूरा मैंने बता दिया। अच्छा ये जो सैयद मुश्ताक अली, ये कौन थे, ये इनका नाम से क्यों कराया जाता है? ये एक्चुअली एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, हिंदुस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं। राइट हैंडेड ओपनर बैट्समैन थे, बहुत ही फ्लेम बॉयज खेलते थे, मतलब नीडर होके खेलते थे। उस टाइम टेस्ट मैच था, T20 तो बहुत बाद में आया, मगर इसीलिए उनका नाम से इसको सम्मान के लिए इसको दिया गया। और इनका नाम में क्या रिकॉर्ड है, इनका नाम में रिकॉर्ड है ये पहले ओवरसीज टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले हिंदुस्तान के प्लेयर बने, मतलब हिंदुस्तान का जितना भी प्लेयर रहा है टेस्ट सेंचुरी बाहर में जाके बनाने वाले ये पहले इंसान बने, सैयद मुश्ताक अली। 112 रन स्कोर किया था इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड का स्टेडियम में 1936 में, यानी कि आजादी के भी पहले, ठीक है। और इनको सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये फॉर्मर क्रिकेटर लोग को दिया जाता है, ओके, मतलब पुराना प्लेयर लोग को दिया जाता है। और इनको 1995 में मिलता है, 94 से ये चालू होता है, 95 में इनको मिलता है। और ये इंदौर से बिलोंग करते, मध्य प्रदेश इंदौर, इंदौर आपको मालूम है स्वच्छ सिटी में हमेशा नंबर वन आता है। और इंदौर का पोहा बहुत फेमस है खाने के बारे में पूछा जाए। और ये टोटल 11 मैच खेलते हैं अपना करियर में, 612 रन करते हैं, इसमें 2 सेंचुरी 3 हाफ सेंचुरी रहता है और 3 विकेट भी लेते हैं, स्लो मतलब स्पिन बॉलिंग करते हैं। अच्छा अभी जो मैंने बताया IDFC फर्स्ट बैंक, ये जो है इसका MD CEO कौन है? इसका MD CEO है एम वैद्यनाथन, और ये एक प्राइवेट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ज्यादातर बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, क्योंकि मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और 2015 में ये बनता है। एक्चुअली ये IDFC और कैपिटल फर्स्ट बैंक, ये कैपिटल फर्स्ट, ये दोनों मिलकर ये IDFC फर्स्ट बैंक बनता है। और इसके अभी देखिएगा एड भी आता है, अमिताभ बच्चन इसका एड देते हैं, अमिताभ बच्चन उसकी लड़की भी है। और मैंने तो कह ही दिया ये 3 साल के लिए इंडिया का जितना भी होम मैचेस होगा, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, ये IDFC फर्स्ट बैंक को इसको स्पॉन्सर बनाया गया है, ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।